इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने फेसबुक का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको अपने फेसबुक का पुराना पासवर्ड नहीं पता है तो भी आप अपने फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। कैसे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो यार, मैं आपको ट्रिक बताऊं, उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अपने फेसबुक का पासवर्ड क्यों चेंज करना चाहते हो। अपना रीजन कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ऑल्सो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग फेसबुक में यहाँ पर आ जाते हैं। मैं फेसबुक एप्लीकेशन को सर्च कर लेता हूँ और हम ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जो कि प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, अकाउंट सेंटर वाला, ठीक है, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना होगा, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना होगा, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा चेंज पासवर्ड पर, तो हम चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद उस आईडी को सिलेक्ट करना है जिसका आपको फेसबुक पासवर्ड चेंज करना है। तो मैं ये वाली आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरी दूसरी आईडी है वो इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर मैं उसे सिलेक्ट करूंगा तो उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दोनों आईडी हो सकता है आपको यहाँ पे दिखाई दे, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों की, तो आप अपनी फेसबुक की आईडी चूज करिएगा। तो हम फेसबुक की आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, करेंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और री एंटर न्यू पासवर्ड। तो अब आपको यहाँ पे अपना पुराना पासवर्ड इंटर कर देना है। उसके बाद आपको दो बार नया पासवर्ड इंटर करना है जो आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं दो बार नया पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ, तो यहाँ सेकेंड टाइम भी हम एंटर कर देते हैं। अब मैं जैसे ही चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँगा मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन ये मेथड उन लोगों के लिए है जिन्हें अपना पुराना पासवर्ड पता है, लेकिन आप में से 99% लोगों को अपना पुराना पासवर्ड याद नहीं होता है। तो उन्हें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फॉरगेट योर पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, बिल्कुल छोटे से अक्षरों में लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हो सकता है आपको मल्टीपल ऑप्शन शो करें। जैसे मुझे ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे आपको फोन नंबर का ऑप्शन आए, और ये भी हो सकता है कि ईमेल और फोन नंबर दोनों का ऑप्शन आए। तो आपको 6 अंक का OTP प्राप्त करना है, आप किसी के भी थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो अपनी ईमेल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा, देन हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारी मेल पे एक 6 डिजिट का OTP आएगा जो हमें यहाँ पे इंटर करना होगा। तो हम अपनी मेल में आ जाते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे जीमेल सर्च करूंगा आपके सामने ही, और हम जीमेल को ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद हमें उस ईमेल को सिलेक्ट करना है जिसपे हमारा कोड आया होगा। तो देख सकते हैं ये वाली ईमेल में मेरा कोड आ गया है फेसबुक की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा मेल, 4:56 पे हमारा मेल आया हुआ है। तो हम सिंपली इस मेल को ओपन करेंगे। अब इसमें 6 डिजिट का एक कोड होगा जो कि ये रहा, इसे हमें कॉपी कर लेना होगा। तो हम इसे कॉपी करके यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो मैं फटाक से इसे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, हम एंटर करेंगे, देन हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमें नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे नया पासवर्ड बना सकते हैं। मैं फटाक से अपना नया पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना नया पासवर्ड एंटर कर लिया है। अब हमें जस्ट नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है, और अब हम अपनी आईडी में लॉगिन भी हो गए हैं, और आपको अपना नया पासवर्ड पता भी लग गया है। तो इस तरीके से आप अपनी फेसबुक आईडी के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।